मुआवजा दिलाने के लिए उसको आपने रद्द किया। वी ऑथेंटिकेट कर देंगे, ऑथेंटिकेट कर देंगे, उसके बाद किसानों को डराने के लिए, याद रखिए शिवजी कहते हैं डरो मत डराओ मत, किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है, आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो आप बात नहीं करते। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। मान्यवर मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता इन आके पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकता है? माननीय आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो। माननीय हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। देखिए आपकी एलआई सिर हिला रही है, वो भी सहमत हैं, कौर जी सहमत हैं, देखिए हमारी जरूरत नहीं है, वो सहमत हैं आपसे, वो सहमत हैं। माननीय बोला था नो माननीय सदस्य किसान क्या मांग रहा है सर? स्पीकर सर, माननीय सदस्य स्पीकर सर, किसान क्या मांग, सॉरी मेरा ये आग्रह है, आपकी पार्टी का समय नहीं बचेगा, दोगे पूरा सर? स्पीकर सर किसानों ने मांगा क्या? किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है, जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%। माननीय अध्यक्ष महोदय,
उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी अभी लीगल गारंटी फसलों के एमएसपी के लीगल गारंटी ये बताए, जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी, तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष पर, उस समय खरीद कितनी होती थी। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे, ये सत्यापित करें इसको कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही, ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी दी जा रही है। स्पीकर सर, एमएसपी जब मैं बराबर स्पीकर सर, एमएसपी विद लीगल गारंटी, स्पीकर सर द इशू इज एमएसपी विद लीगल गारंटी, नॉट जस्ट एमएसपी, एमएसपी इज बीइंग गिवन, द इशू इज किसान्स वांट एमएसपी विद लीगल गारंटी व्हिच यू आर नॉट रेडी टू गिव देम। तो किसानों में आपने डर डाला, भय डाला, महिलाओं में महंगाई, गैस सिलेंडर, सेना में अग्निवीर, हर व्यक्ति के लिए आप लोगों ने भय का कोई ना कोई पैकेज दिया, गिफ्ट दिया, तोहफा दिया। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, yes. जो आप 2000 साल पहले की बात करते हो, थोड़ी सी भविष्य की भी बात कर देते हैं, इंडिया के फ्यूचर की बात कर देते हैं। रोजगार तो आपने खत्म कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी, जो आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म करके, युवाओं को आर्मी में अपॉर्चुनिटी मिलती थी, अग्निवीर उनके लिए आपने दे दिया, वो खत्म कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करते हैं, वो रास्ता बंद कर दिया। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट नीट नीट, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सेलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर आप उसके पास पैसा नहीं है, मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 22% है, वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर, पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। तो यह हालत है, जहां भी ये देखते हैं ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया, माइनॉरिटीज ने क्या किया, हर स्फीयर में हिंदुस्तान
को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा नफरत फैलाई। तो शिव जी कहते हैं सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने, सर वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया, देखिए वापस सर हटाओ सदस्य, ये देखो एक मिनट देखा सर आप, एक मिनट सर मैं प्लीज एक मिनट सर, मैं सर इतना कहना चाहता हूँ माने सुने प्लीज, नहीं ये ठीक नहीं है, नो मैं एक मिनट प्लीज एक मिनट, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि सदन की गरिमा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, नियमों का पालन हो। आप खुद मानते हैं शिव जी को भगवान और उनको बार बार इस तरीके से यहाँ पर चित्रित करना ये उचित नजर नहीं आता मुझे लगता है। स्पीकर सर देखिए रूल्स की किताब पढ़ोगे आप? रूल्स में है कि आप कोई भी चित्र को नहीं दिखा सकते सदन में, आप किसी बात का नाम नहीं ले सकते, आप नियम प्रक्रियाओं से नहीं बोल रहे हैं, सदन की मर्यादा नियम प्रक्रिया इससे चलती है, आपने बनाया सबने बनाया। स्पीकर सर नॉट दिस इज नॉट राइट सर। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 356 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अगर कोई सदस्य स्पीकर साहब के ध्यान में लाने के बाद इररिलेवेंट और लगातार किसी विषय को बार बार दोहराता है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस सदस्य को निर्देशित करके रोक सकते हैं, आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए।